क्या सच में चीन हिंदुस्तान से युद्ध करने का मन बना चुका है? क्या इस वक्त 1962 की जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं? ये सवाल अब बॉर्डर से लेकर संसद तक गूंज रहा है। इसकी वजह है पिछले एक महीने से बॉर्डर पर बढ़ता तनाव। चीन लगातार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। पहले घुसपैठ और युद्ध अभ्यास के बाद अब चीन ने सीमा के करीब सैन्य सामान पहुंचाना शुरू कर दिया है, जो कई सवाल खड़े करता है। देखिए रिपोर्ट। क्या हिंदुस्तान से जंग चाहता है चीन? तिब्बत सीमा पर चीन का बड़ा सैन्य अभ्यास, सीमा पर भेजे टैंक और हथियार। डोकलाम में भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बाद अब चीन ने नई चाल चली है। चीन ने तिब्बत में दो सैन्य अभ्यासों के बहाने अपने हजारों टन सैन्य साजो सामान पठारों की तरफ भेजे हैं, जहां चीन न केवल हिंदुस्तान को उकसाने की कोशिश कर सकता है बल्कि भारी संख्या में सैनिक और टैंकों की तैनाती कर युद्ध के हालात पैदा करने की चाल चल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन्य तैनाती का इजाफा सिक्किम के पास नहीं बल्कि पश्चिम में सिनजियांग प्रांत उत्तरी तिब्बत में किया गया है। चीन की ओर से इतने बड़े स्तर पर सैन्य हलचल पिछले कुछ दिनों से बढ़ती जा रही है, जबकि 1962 के बाद दोनों देशों के बीच कितनी भी टेंशन भले हो रही हो लेकिन आज तक एक गोली तक नहीं चली। तस्वीर आज से 55 साल की है तो वही दूसरी तस्वीर मौजूदा हालात की। एक को जंग कहा गया तो दूसरे को सैन्य अभ्यास। शायद 55 साल पुराने इतिहास की ओर बढ़ते कदम की दस्तक जो एक ही सवाल पैदा करती है, क्या भारत के साथ एक और युद्ध चाहता है चीन?